जाने माने यूट्यूबर एलविश यादव जब से रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आए हैं, तब से शो की टीआरपी काफी इंक्रीज हो गई है। मनीषा रानी के साथ उनकी दोस्ती को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि एक बार जब मनीषा ने उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश की, तब एलविश ने मनीषा को साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि बीबी हाउस से बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड है। जो एलविश के पुराने फैंस हैं, वो ये बात जरूर जानते होंगे कि एलविश और कृति मेहरा काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे और दोनों का बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग था। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए? ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलविश यादव की लव स्टोरी और ब्रेकअप के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एलविश यादव के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलविश यादव से। एलविश का जन्म गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी गुरुग्राम से ही कम्प्लीट की। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एलविश यादव की मुलाकात कृति मेहरा से हुई। हालांकि दोनों की क्लास सेम नहीं थी क्योंकि दोनों का कोर्स काफी अलग था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होने वाले इलेक्शन की वजह से हुई। एलविश यादव कॉलेज इलेक्शन में खड़े हुए, तब उन्होंने कृति के क्लास में जाकर सबसे पूछा कि वो कॉलेज में क्या चेंज करवाना चाहते हैं। ऐसे में कृति ने कैंटीन में मोमोज लगवाने के लिए कहा। कृति की ये बात सुनकर एलविश उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और दोनों के बीच का कनेक्शन दोस्ती में बदल गया था। इसके बाद 2015 में एलविश यादव ने अपना यूट्यूब करियर शुरू किया। शुरुआती दिनों में एलविश के वीडियोस पे व्यूज नहीं आते थे, इस वजह से वो काफी डिप्रेस रहते थे। इस मुश्किल टाइम में कीर्ति ने एलविश का काफी साथ दिया। धीरे धीरे एलविश की वीडियोस पर व्यूज आने लगे और एलविश की वीडियो में कृति भी नजर आने लगी। दोनों साथ में कॉमेडी वीडियोस में नजर आने लगे और दोनों की जोड़ी धीरे धीरे हिट होने लगी और साथ में काम करते करते दोनों में प्यार भी बढ़ने लगा। ये रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों शादी करने वाले थे और फैंस भी इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड थे। लेकिन 1.5 साल पहले अचानक से वो दोनों अलग हो गए। दोनों एक दूसरे की वीडियोस में नहीं आते थे और न ही कहीं साथ दिखते थे। यहाँ तक कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। जैसे ही फैंस को ये पता लगा तो वो काफी शॉक्ड हुए और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 5-6 साल का रिश्ता ऐसे खत्म हो गया। हर इंटरव्यू में लोग उनसे पूछने लगे कि आखिरकार उनका रिश्ता खत्म क्यों हो गया और उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। एक इंटरव्यू में एलविश से इस बारे में पूछा गया तो एलविश ने कहा कि हम तो कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो ब्रेकअप कैसे होगा। लेकिन बीबी हाउस में जब बेबिका ने एलविश का फेस रेड किया और बताया कि तुम 5-6 साल किसी रिलेशनशिप में थे, तब एलविश ने इस बात पर हामी भर ली थी। उस टाइम पे ऐसी खबरें भी थी कि एलविश ने कृति को धोखा दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू में कृति ने साफ कहा कि एलविश ने चीट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दोनों की सोच एक दूसरे से काफी अलग थी, इसीलिए वो अलग हो गए। कृति ने ओपनली एडमिट किया था कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन असल वजह आज तक किसी को नहीं पता। बीबी हाउस में जब मनीषा ने एलविश से पूछा कि बाहर कोई है क्या, तब एलविश ने कहा कि हाँ पसंद करता हूँ लेकिन रिलेशनशिप में नहीं हूँ। उनकी बात से तो यही लगता है कि अगर सब ठीक रहा तो कृति और एलविश दोबारा साथ में नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, एलविश यादव और कृति मेहरा दोबारा साथ में नजर आएंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए काफी स्पेशल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।